हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए, गुलाब में कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के फूल लगे हुए हैं इसमें, और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, तो इनका वेट बहुत ज़्यादा हो रखा है, फ्लावर का साइज़ ना बहुत ही बड़ा हो रखा है दोस्तों। तो क्या है, इनका वेट भी बहुत ज़्यादा हो रखा है बड़े साइज़ की वजह से। तो इस तरह से ये देखिए, सब झुके हुए हैं, और ये देखिए कलियाँ भी सभी में बहुत सारी बनी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, इससे पहले कि ये कली थी जो मैंने तोड़ दी थी, ख़राब हो गया था फ्लावर तक, तो उसके बाद ये नई नई शूट्स इसमें निकली। तो कभी भी इस तरह से फ्लावर ख़राब हो जाए दोस्तों, किसी भी प्लांट का, किसी भी फ्लावर प्लांट का, तो हमें इस तरह से कट कर देना चाहिए। तो वहीं से नई नई ब्रांच निकलेंगी और फ्लावरिंग अच्छे से करेगा। तो सारे फूल देखिए किस तरह से झुके हुए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कि ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे गार्डन में हमेशा बने रहते हैं और फ्लावरिंग करते रहते हैं, तो विंटर में और बाकी टाइम हमारे पास परमानेंटली बने रहते हैं। तो सबसे पहला प्लांट दोस्तों यही गुलाबी है, ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है फ्लावरिंग के लिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी फ्लावरिंग ही करता रहता है। तो विंटर में क्या है दोस्तों, इसका फ्लावरिंग सीजन होता है, तो वैसे तो ये हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहता है। तो विंटर में क्या है, इसके फ्लावर का साइज़ बड़ा हो जाता है और बहुत ही हेल्दी हेल्दी से फूल आते हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये देसी गुलाब है, तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो इसको भी हमें एक बार जब हम ले आते हैं तो बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये कटिंग से बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं। तो कटिंग दोस्तों मैंने इसकी देसी रोज़ की लगाई थी, तो ये देखिए कितनी अच्छे से ये ग्रो भी हो रही हैं, और सभी में अच्छे अच्छे फुटाव, कितने अच्छे अच्छे हेल्दी से फुटाव निकले हुए हैं। और जब से बारिश हुई दोस्तों, बहुत ही हेल्दी हो गई हैं ये, और जिनकी ग्रोथ रुकी हुई, ये देखिए इन ब्रांच, इन कटिंग की ग्रोथ रुकी हुई थी, तो ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल कर बाहर निकलने लग गए इनके शूट्स। तो बहुत हेल्दी से अब ये ग्रो हो जाएंगी। ये देसी गुलाब की कटिंग है दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर ये देखिए बटन रोज़ की, ये तो मैंने 10 से 15 दिन पहले ही लगाई थी, और ये देखिए बारिश का असर, कितना अच्छा फुटाव इसमें हुआ है, कितना हेल्दी सी ब्रांच इसमें निकल कर आ रही है। तो ये मैंने एक भाग मिट्टी, एक भाग रिवर सैंड, और थोड़ा सा कोकोपीट इसमें डाला, और थोड़ा सा ही मैंने खाद का ये मिक्सचर बनाया हुआ है, सॉइल मिक्स, तो उसमें मैंने ये कटिंग लगा दी थी। तो इसी के साथ ये देखिए मैंने गुड़ैल की कटिंग इसमें लगाई हुई है, ये अभी अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले लगाई थी। तो इसी के साथ साथ ये भी ग्रो हो जाएगी। तो इस तरह से हम गुलाब को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट होता है ये, और ये हमारे पास एक बार आ जाता है गार्डन में हमारे हमेशा बना रहता है, और कटिंग से हम डेरो प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये रूबी नेकलेस। तो ये भी एक परमानेंट और सेकुलेंट प्लांट होता है ये, तो ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है विंटर में, और इसी तरह से हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। तो ये देखिए मेरी हैंगिंग बास्केट ही है, ये मैंने अभी नीचे रखी हुई है, किसी वजह से मैंने एक बार, एक दिन इसका वीडियो बनाया था तो मैंने नीचे इसको उतारी थी, तो यहीं रखी है उस दिन से ये। तो इस तरह से देखिए, ये भी, इस भी में बहुत ही अच्छे से येलो कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये भी अगर हम एक बार ले आते हैं तो इससे डेरो प्लांट हम बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने भी इससे बहुत सारे कटिंग से तैयार करे हुए हैं बहुत सारे प्लांट, तो आप देख सकते हो इस तरह के कोई भी ब्रांच आप ले लिए, इस तरह से ये देखिए इसमें से एरियल रूट्स निकले हुए हैं। तो इनको हम यहीं से कट करके इतनी, 1 से 1 इंच अगर हम मिट्टी में दबा दें, 2 नोड हम मिट्टी में दबा दें, तो वहीं से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से रूट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अभी भी इसमें रूट बनी हुई हैं, तो इन्हीं को हम मिट्टी में दबा देंगे तो हमारा दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी आपको देनी होती है, क्योंकि ये सेकुलेंट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, और ये सेमी शेड और धूप में दोनों ही अच्छे से चल जाता है। तो गुलाब को दोस्तों पूरे दिन की सनलाइट सही होती है। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये देखिए पॉइंसेटिया। तो ये भी हमारा एक परमानेंट प्लांट होता है, तो समर सीजन में हमें थोड़ी इसकी केयर करनी होती है, तो इसको हम अपने पास हमेशा बना के रख सकते हैं।
तो ये देखिए इस टाइम पे इसमें इस तरह से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, इस तरह से पिंक कलर की पत्तियां इसकी हो जाती हैं, नीचे ग्रीन और ऊपर पिंक कलर का। तो इस तरह से हमें एक फ्लावर का लुक बना देता है पत्तियों में। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है सर्दियों का, और जब गर्मियाँ आती है तो इसकी पत्तियाँ इस तरह से ग्रीन ही रहती हैं, तो इसको भी हम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इससे भी हम ढेरों प्लांट बना लेते हैं, एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं दोस्तों। तो ये भी हमारा बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट और परमानेंट प्लांट होता है। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये देखिए हाइब्रिड गुड़हल। तो ये भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है विंटर सीजन में, और ये भी हमारे पास परमानेंट बना रहता है। एक बार अगर हम ले आते हैं तो इससे भी हम कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैं अभी इनको जब मेरी विंटर के प्लांट में लेकर आई थी तो उस टाइम ही मैं इनको लेकर आई, तो उसके बाद मैंने इनको रिपोर्ट भी नहीं किया दोस्तों, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ज़्यादा ठंड में किसी भी हमें परमानेंट प्लांट को, तो इस तरह से परमानेंट प्लांट को हमें रिपोर्ट नहीं करना चाहिए विंटर में। तो ये भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं कटिंग से आसानी से, और ढेरों प्लांट हम इसके बना सकते हैं। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये केलन कोई, यहाँ पर ये देखिए ये केलन कोई का। तो ये मेरे यहाँ पर ये देखिए इसमें भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये एक परमानेंट प्लांट होता है, और एक बार अपने गार्डन में इसको ले आते हो तो बार बार हमें नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको भी हम कटिंग से बहुत ही आसानी से बहुत सारे प्लांट इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे मेरे, इसमें कैटरपिलर का अटैक हो रखा था, तो ये मेरे सारे प्लांट ख़राब कर दिए। मैंने बड़ी मुश्किल से ये छोटी छोटी कटिंग इसकी बचाई हुई हैं, तो ये अब तो बहुत हेल्दी हैं। इन पर मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था इमिडाक्लोपिड का, तो उससे कैटरपिलर सारा ख़त्म हो गया है, अब ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसमें भी कई सारे कलर आते हैं, तो इसको भी हम कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं, और ये परमानेंट होता है। तो ये हाइब्रिड जो होता है इसको थोड़ा हमें गर्मी में बचाना होता है बारिश से, और ये गर्मी में भी तो ये हमारे पास हमेशा बना रहता है। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये देसी केलन को ही है, तो इसको हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये विंटर का डायंथस प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट होता है ये भी, और ये बारिश से देखिए सारे फ्लावर मेरे ख़राब हो गए हैं। ये दो कलर है मेरे पास, ये रेड कलर और वाइट और पर्पल का शेड थोड़ा सा पिंक का। तो इस तरह से ये भी परमानेंट प्लांट होता है दोस्तों, विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होता है ये। तो इसको भी हम अगर समर सीजन में थोड़ा बचा लें, समर सीजन में इसकी हम थोड़ी केयर करनी होती है, तो ये हम कटिंग से विंटर सीजन में इसकी कटिंग से हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा परमानेंट प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट विंटर सीजन का, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये करता है। तो एक बार अगर हम इसको ले आते हैं तो ढेरों प्लांट इससे भी हम तैयार कर सकते हैं। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये गुलदाउदी। तो गुलदाउदी में बहुत सारे कलर आते हैं, आप देख सकते हो ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। तो इसको भी हम एक बार ले आते हैं तो इससे भी हम ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसकी मेरे पास कई सारे कलर हैं दोस्तों, ये अलग वैरायटी है और ये वाली अलग है। तो और मेरे ऊपर लिटिल टेरेस पे हैं सारे गुलदाउदी, तो इससे भी हम ये भी हमारे पास एक बार ले आते हैं तो ढेरों प्लांट कटिंग से हम तैयार कर सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट होता है विंटर का, तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें विंटर में दोस्तों। इस टाइम पर इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगी, और इस टाइम अगर हम लेकर आते हैं तो क्या है ना कि कलर का पता चल जाता है, तो अगले सीजन में हम बहुत सारे प्लांट कटिंग से बना सकते हैं एक ही प्लांट से। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये फ्यूसिया, ये देखिए कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको भी मैंने अभी ऐड किया है मेरे गार्डन में। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है, समर में इसकी थोड़ी केयर करनी होती है, तो ये हमारे पास हमेशा बना रहता है। तो इसको भी हम कटिंग से आसानी से इस तरह की छोटी छोटी कटिंग हमें एक नोड एरिया में मिट्टी में दबाना होता है दोस्तों, एक से दो नोड, तो कटिंग से बहुत सारे प्लांट इससे भी तैयार हो जाते हैं।
तो ये भी विंटर में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावर इसमें बने हुए झुमके की तरह। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है दोस्तों, तो इसको भी हमें ज़रूर अपने गार्डन में जगह देनी चाहिए। तो ये देखिए इसके कितने सारे फूल ख़राब हो चुके हैं। और इस तरह से ये देखिए दोस्तों, इस तरह सीड पॉट बनते हैं इस पर, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से, तो इन्हें हमें हटा देना चाहिए, नहीं तो प्लांट सारी एनर्जी अपनी इसमें लगा देता है और फ्लावरिंग कम करता है। फिर इस तरह से हमें कट कर देना चाहिए। और बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है ये भी, एक परमानेंट प्लांट होता है विंटर का। तो बस दोस्तों यही प्लांट हैं जो आप अपने गार्डन ज़रूर ऐड करें विंटर में, फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे पास हमेशा बने रहते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों।